हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको बोलते हैं, ये यहाँ एक आप देख पा रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप हुआ है ये इस कॉइल के थ्रू हुआ है, और इस कॉइल में क्या है, ये जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर करंट का फ्लो होगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो यहाँ ये जो सर्कुलर कॉइल आप देख रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है। ये जो सोर्स है ये आपका डीसी सोर्स है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इसको फिक्स वोल्टेज मिल रहा है 10 वोल्ट अक्रॉस दिस, जो ये टू पॉइंट्स हैं इसके, जो दो एंड है इस कॉइल के, राइट। तो उसकी वजह से करंट भी कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जो आप देख रहे हैं वो भी कांस्टेंट है। यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ये जो प्लस पॉइंट देख रहे हैं आप, ये इस पॉइंट के रेफरेंस में है। एक्चुअली यहाँ इसका जो डिस्टेंस है इस मैग्नेट से वो कितना है, राइट। तो मैं अगर इसको वेरी करूँगा टूवर्ड्स द मैग्नेट तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो बी ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, राइट। उसकी स्ट्रेंथ हम कैसे मेजर करते हैं, जी से, गॉस से। ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के एक्स वाई कंपोनेंट यहाँ कंसीडर किए हुए हैं। तो अब एक ये पॉइंट हुआ, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें चार कॉइल के अंदर चार टर्न है। अगर मैं एक कम कर दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कम होगा, यस मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हैं कि कम हो गया है, यहाँ से 1.1 हुआ है। अब अगर और कम कर दूंगा टर्न तो ये और भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट में, राइट, जो टर्न हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं टू प्रोड्यूस दी जो मैग्नेटिक फील्ड है। अगर टर्न ज़्यादा होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ द करंट। तो ये तो रहा कि आपका जो यहाँ पे वोल्ट जो ये बैटरी है, राइट, उसके रेस्पेक्ट में। तो अगर हम यहाँ इसकी जो वैल्यू है कम या ज़्यादा करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर अभी आप देख रहे हैं कि ये इस जो है कनेक्शन इस साइड में था, ये पॉजिटिव इस साइड में था, नेगेटिव इस साइड में था बैटरी के, तो ये रेड कलर जो है नॉर्थ को इंडिकेट करता है। तो आपका नॉर्थ इस साइड को है और साउथ इस साइड को है, साउथ इस साइड को, नॉर्थ इस साइड को, राइट। तो अगर मैं ये पोलरिटी चेंज कर दूं बैटरी की तो फिर क्या होगा, देखिए अब ये धीरे धीरे मैं इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर रहा हूँ, यहाँ इधर पॉजिटिव आ चुका है तो अब ये डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। अब मैं अगर करंट और बढ़ाऊँगा, ये वोल्टेज बढ़ा दूंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। तो आप टेबल से देख पा रहे हैं इधर, राइट। तो अब करंट की डायरेक्शन उल्टी है, तो अब उसी के रेस्पेक्ट में आपको ये यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई पड़ रही है। अब मैं दूसरी डायरेक्शन में इसको शिफ्ट करूँगा तो ये, अब तो ये पोलरिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑफ द करंट डिपेंड करती है, राइट। ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखें। तो अब मैं पोलरिटी इधर चेंज कर दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, इधर कर दूंगा तो ये फील्ड भी, तो जिस करंट की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को एक्सप्लेन करती है। और आपने जितनी पावर सप्लाई के थ्रू जितनी वोल्टेज डिफरेंस उसके अक्रॉस क्रिएट किया है उसी के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, राइट। तो यहाँ दो फैक्टर हैं, एक तो फैक्टर ये हुआ कि जो अप्लाइड वोल्टेज है, और दूसरा जो हुआ आपका ये यहाँ इसमें जो करंट चला हुआ है। तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट में नंबर ऑफ टर्न और जो पावर सप्लाई की से वोल्टेज मिल रहा है वो डिसाइड करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी। यहाँ मैक्सिमम आपने वोल्टेज अप्लाई किया है, लेकिन अगर टर्न कम ज़्यादा कर देंगे तो फिर ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेट इसको बोलते हैं, पूरा अरेंजमेंट, राइट, वो तो सप्लाई है, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं जिसके थ्रू हमने मैग्नेटिक फील्ड को लिया है, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में ट्रांसफार्मर्स।